मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज हम हिंदी का 14वां चैप्टर चतुराई का अभ्यास करेंगे। पहले ही पेज पर हमें एक चित्र दिया गया है, उसमें सियार, खरगोश, सुअर और शेर दिखाई दे रहे हैं। अब हम पाठ स्टार्ट करते हैं। सियार, खरगोश, सुअर और शेर चारों साथ रहते थे। शेर राजा था, सियार सेनापति था, सुअर मंत्री था और खरगोश दरबारी था। ये चारों लोग एक ही साथ रहते थे। इसमें से जो हमको सबको पता ही है कि शेर जंगल का राजा है, उसी तरह इधर भी शेर को राजा बताया गया है। उसके बाद है सियार। सियार यानी कि गिदड़। गिदड़ को इधर उन्होंने सेनापति दिखाया है। सुअर मंत्री है और खरगोश है वो दरबारी है। जंगल का वह बादशाह अपने साथियों के साथ बड़े आराम से रहता था। सियार, खरगोश, सुअर और शेर चारों मित्र हो चुके थे। वह अपने साथियों के साथ आराम से रहते थे। एक दिन शेर ने मुंह खोलकर जबाई ली, यानी कि एक दिन शेर ने मुंह खोलकर उबासी लेना, यानी कि हमको बगासा, हिंदी में, गुजराती में उसको बगासा बोलते हैं। जैसे हमको बगासे आते हैं ना, उसी तरह शेर ने भी जबाई ली। सुअर ने कहा, सरकार आपके मुंह से बदबू आती है। सुअर ने क्या कहा कि सरकार आपके मुंह में से बदबू आती है, गंध आती है। शेर नाराज हो गया, मैं जंगल का राजा, मेरे मुंह में भला बदबू आ सकती है? शेर बहुत ही नाराज हो चुका और क्या बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, भला मेरे मुंह में से कभी बदबू आ सकती है? वह सुअर पर झपटा और अपनों पंजों से उसका पेट फाड़ दिया। शेर ने क्या किया, वो बहुत ही गुस्सा हो गया और उसने सुअर पर झपट डाली और उसको फाड़ डाला। अगले दिन शेर ने मुंह खोलकर फिर जबाई ली और सियार की ओर घूर कर पूछा, अब तू बता, मेरे मुंह से बदबू आती है? दूसरे दिन क्या हुआ, फिर से शेर ने मुंह से जबाई ली और उसके बाद सियार को पूछा, यानी कि भेड़िए को पूछा कि क्या तुम्हें अब, गीदड़ को पूछा कि तुम्हें अब मेरे मुंह में से बदबू आती है? सियार सुअर की बुरी हालत अपनी आंखों से देख चुका था। उसने सोचा, राजा का मिजाज गर्म है, हमें नरमी से काम लेना चाहिए। उसने क्या किया कि सियार ने सुअर की जो हालत हो चुकी थी वह तो देख ही ली थी अपनी आंखों से। उसने सोचा कि अभी राजा का मिजाज गर्म है, मिजाज यानी कि स्वभाव गर्म है, हमें नरमाई से काम लेना होगा। वह बोला, हुजूर आपके मुंह से इलायची की खुशबू आ रही है। क्या बोला कि आपके मुंह में से तो अच्छी सी सुगंध आ रही है। शेर को खुश करने की नीयत से सियार जोर जोर से सांस खींचने लगा, यानी कि शेर खुश हो जाए इसीलिए सियार ने क्या करा कि फूल फूल से खींच खींच कर सांस लेने लगा, मानो शेर के मुंह की खुशबू को वह अपने अंदर भर रहा हो। ऐसे सांस लेने लगा जैसे कि शेर के मुंह में से जो सुगंध है वो अपने अंदर भर रहा हो। वैसे शेर ने डांट कर कहा, चापलूस कहीं के, यानी कि शेर ने डांट कर क्या कहा कि चापलूस यानी झूठी बदमाश कहीं के, तुझसे मुझे यही आशा थी, 10 कोस का यह जंगल, इसका मैं अकेला राजा हूँ। क्या कहा कि 10 कोस का, यानी कि इतना बड़ा मेरा जंगल है उसमें मैं अकेला ही राजा हूँ। ताजा खून में पीऊँ, नीच नोच कर मांस में खाऊँ, कलेजी में चबाऊँ, फिर बदबू मेरे मुंह से नहीं आएगी तो मेरे मुंह से आएगी? चापलूस कहीं का क्या बोलता है राजा कि मैं ताज़ा ताज़ा खून पीता हूँ, सबको नोच नोच कर उसका मांस खा जाता हूँ, कलेजी में चबाऊँ यानी कि अपने गर्दन में उसको चबाता हूँ, फिर बदबू मेरे मुंह से नहीं तो क्या तेरे मुंह से आएगी? यानी कि ये सब कुछ मैं खाता हूँ और तू मेरे से झूठ बोलता है कि तुम्हारे मुंह से बदबू नहीं आती है?
चापलूस कहीं का यानी कि बदमाश कहीं का, खुशामत करने वाला। सीआरबी शेर की नाराजगी का शिकार हो चुका, यानी कि सीआरबी ऐसा बोला तो शेर ने उसका भी शिकार कर डाला। बाकी बचा खरगोश, खरगोश यानी संसला, बाकी एक खरगोश बच गया था। उससे यही सवाल शेर ने पूछा तो वह बोला, शेर ने खरगोश से भी यही सवाल पूछा कि तुम्हें मेरे मुंह में से बदबू आ रही है? शेर ने पूछा तो वह बोला, सरकार मुझे जुकाम हो गया है, बदबू खुशबू का कुछ पता ही नहीं चलता है। खरगोश ने कहा कि मुझे जुकाम हो गया है और मुझे कोई भी बदबू यानी गंध और खुशबू यानी सुगंध, गंध सुगंध का कुछ भी पता नहीं चलता है। शेर उसकी ओर ताकता रह गया, शेर उसकी ओर ही देखता रह गया। उसके बाद शब्दार्थ हैं, जबाई मुंह खोलकर उबासी लेना, सियार गीदड़, कलेचा हृदय, मिजाज स्वभाव, खुशबू सुगंध, बादशाह राजा, चापलूस झूठी खुशामत करने वाला, ताकता देखता। थैंक यू।